यह घटना उस समय की है जब महात्मा गौतम बुद्ध 5वीं शताब्दी में थे। एक स्थान था जिसे कुशीनगर कहा जाता था, वहां अनिरुद्ध नामक एक धनी व्यापारी रहता था। अनिरुद्ध तांबे के बर्तनों का व्यापार करता था, लेकिन उसका व्यापार ठीक नहीं चल रहा था। कुछ ही दिनों में उसका पूरा व्यापार चौपट हो गया और वह राजकोष का कर्जदार बन गया। वह अपने दिन बड़े दुख में बिता रहा था। उस समय वह शराब पीने लगा और नशे में धुत हो गया। अनिरुद्ध की पत्नी, जो उनके इकलौते बेटे के साथ थी, बुरी संगति के कारण इस नाजुक समय में उन्हें छोड़कर चली गईं। धीरे धीरे अनिरुद्ध के जीवन में अंधकार फैलने लगा। मानसिक पीड़ा असहनीय हो गई और उन्होंने आत्महत्या का निर्णय लिया। एक दिन शाम को वह घर से बाहर निकले और पास की एक पहाड़ी पर चढ़ गए, जहां से एक नदी बहती थी। उन्होंने सोचा कि इस पहाड़ी से नदी में कूदकर अपने जीवन का अंत कर लेंगे। पुरानी यादों में खोए हुए वह जोर जोर से रो रहे थे और धीरे धीरे अपने जीवन के अंतिम क्षणों की ओर बढ़ रहे थे। पहाड़ी के पास महात्मा गौतम बुद्ध एक दूरस्थ गांव से जंगल के रास्ते होते हुए अपने आश्रम की ओर लौट रहे थे। उस पहाड़ी पर उनके साथ कुछ शिष्य भी चल रहे थे। जब बुद्ध ने रोने की आवाज सुनी तो वे एकदम रुक गए। शाम के हल्के अंधेरे में उन्होंने देखा कि एक आदमी पहाड़ी के किनारे खड़ा होकर रो रहा था। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस आदमी के पास दौड़े, उसे रोका और पूछा, तुम कहां जा रहे हो? अनुराता ने कहा, मैं अब और जीना नहीं चाहता। अब मेरा जीवन पूरी तरह से अंधकारमय हो गया है। मेरे पास आत्महत्या करने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं बचा है। बुद्ध ने शांतिपूर्वक कहा, अपनी बात समाप्त करने से पहले मेरे दो छोटे प्रश्नों का उत्तर दे दो। अनिरुद्ध ने कहा, बताइए आप क्या जानना चाहते हैं? महात्मा ने पूछा, तुम आत्महत्या क्यों करना चाहते हो? अनिरुद्ध रोते हुए बैठ गया और कहा, मैंने अपने जीवन में कभी भी खुशी का एक पल नहीं देखा है। मेरा पूरा कारोबार बर्बाद हो गया है। अब मैं बहुत सारे कर्जदारों के भारी बोझ तले दबा हुआ हूं। मेरी पत्नी और बच्चे मुझे छोड़कर चले गए हैं। अब मेरा जीवन अंधकार से भरा हुआ है और मैं इस दुख में नहीं जीना चाहता। गौतम बुद्ध ने फिर पूछा, अब तुम्हारे जीवन में दुख और अंधकार है, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि पहले तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और प्रकाश था? अनिरुद्ध ने कहा, सच कहूं तो मेरे पास बहुत पैसा था, इसलिए मैं खुश था। मेरे साथ परिवार और दोस्त थे और मुझे एक साम्राज्य जैसा महसूस होता था। मैं जो चाहता था उसका आनंद ले सकता था। बुद्ध ने कहा, अरे मित्र, तुम नहीं जानते कि जीवन में सबसे उत्तम सुख क्या होता है। मैं तुम्हें फिर से दुनिया का सबसे उत्तम सुख प्रदान करूंगा। तुम पहले से अधिक धन संपत्ति प्राप्त करोगे और वह भी कई गुना। अनिरुद्ध को आशा की किरण मिली। महात्मा गौतम बुद्ध के शब्दों में उसने बुद्ध से पूछा, लेकिन दुनिया में सबसे उत्तम सुख कैसे प्राप्त किया जाए? बुद्ध ने कहा, अब तुम घर लौट जाओ, कल सुबह आश्रम आना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि सबसे उत्तम सुख क्या है। फिर अनिरुद्ध ने रोना बंद कर दिया और घर लौट आया, जबकि बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आश्रम लौट आए। अगली सुबह अनिरुद्ध बुद्ध के आश्रम में गए और बुद्ध को एक विशाल पेड़ के नीचे बैठे हुए पाया। उनके सामने चार शिष्य बैठे थे, बीच की सीट खाली थी। बुद्ध ने कहा, रुद्ध, तुम बीच में बैठो। बुद्ध को प्रणाम करते हुए वह बीच की सीट पर बैठ गया। बुद्ध ने कहा, पहले मैं अपने चार पसंदीदा शिष्यों का परिचय तुमसे कराता हूं। आपके पूर्व की ओर जो बैठे हैं वह प्रियंपाद हैं। जब वह युवा थे तो उन्होंने एक योद्धा के रूप में युद्ध में भाग लिया था। उस युद्ध में उन्होंने अपने दोनों पैर और एक हाथ खो दिया। एम अनिरुद्ध ने देखा कि प्रियंभर के पास दो पैर और एक हाथ नहीं था, बल्कि केवल एक हाथ था। बुद्ध ने कहा, अच्छा अनिरुद्ध, क्या तुम मुझे सच बताओगे? क्या तुम प्रियंभर से शारीरिक रूप से अधिक खुश हो या उससे अधिक परेशानी में हो? अनिरुद्ध ने कहा, बुद्ध, मैं प्रेम पर से 100 गुना बेहतर और शारीरिक रूप से अधिक खुश हूं। बुद्ध ने कहा, अच्छा, अब जो तुम्हारे पश्चिम की ओर बैठा है उसका नाम संकल्प है। उसने अपने माता पिता, दो बच्चों और अपनी पत्नी को एक असाध्य बीमारी के कारण अपनी आंखों के सामने मरते देखा है। संकल्प परिवार में बिल्कुल अकेला है। अनिरुद्ध, क्या तुम संकल्प से बेहतर हो?
अनिरुद्ध कुछ देर तक चुप रहा और फिर बोला, मेरे पिता, माता, पत्नी और बेटा अभी भी जीवित हैं। हो सकता है कि वे मेरे कार्यों और व्यवहार से असंतुष्ट होकर मुझे छोड़कर चले गए हों, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वे अब भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे संजोते हैं। मैं शंकर के इस गहरे अकेलेपन से हजार गुना बेहतर हूं। बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारे उत्तर में बैठा व्यक्ति उज्जनन है। उज्जनन एक व्यापारी था जो तुमसे 10 गुना अधिक अमीर था। अपनी अधेड़ उम्र में उसने लालच और वासना के कारण अपनी सारी संपत्ति गंवा दी और अंत में सड़कों पर भीख मांगने लगा। उसे लंबे समय तक भूखा रहना पड़ा। अब जब वह लगभग बूढ़ा हो गया है तो उसके लिए अपनी गलतियों को सुधार कर व्यवसाय को फिर से खड़ा करना संभव नहीं है। अनिरुद्ध, क्या तुम उज्जनन से भी बदतर स्थिति में हो? अनिरुद्ध ने फिर से सिर झुकाया, कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से कहा, अब मुझे उदाहरणों से शर्मिंदा मत करो। मुझे एहसास हुआ कि मेरी सोच गलत थी। मेरे पास खुद को सुधारने और व्यवसाय में खुद को फिर से स्थापित करने के लिए अभी भी बहुत समय है। चारों शिष्य और बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध ने कहा, ओह अनिरुद्ध, अगर तुम इन चारों से पूछोगे कि तुम कैसे हो तो वे सभी तुम्हें एक ही जवाब देंगे। अनिरुद्ध, मैं पहले से बहुत ज्यादा खुश हूं। जैसे दिन के बाद रात आती है, उसी तरह रात के बाद दिन भी जरूर आता है। परिवर्तन इस दुनिया का शाश्वत सत्य है। पहाड़ों से सीखें। देखें कि पहाड़ कैसे धूप और तूफान को सहते हैं और फिर वसंत की कोमल रात की किरणों का आनंद लेते हैं। हमें ऐसा बनना है कि अत्यधिक खुशी में भी हम बहुत ज्यादा खुश ना हो और अत्यधिक दुख में भी हम बहुत ज्यादा दुखी ना हो। हमारी भावनाएं और मन स्थिर होने चाहिए। खुद का विश्लेषण करें। यह जानने की कोशिश करें कि आपके पिछले कार्यों में कहां गलती हुई थी और उन गलतियों को सुधारने का प्रयास करें। चिंता न करें, खुद को और अपनी जरूरतों को समझें और उन पर नियंत्रण रखें। आपके पास अभी भी बहुत समय है। आपके प्रियजन आपके दयालु स्वभाव और अच्छे व्यवहार के कारण वापस आएंगे। वास्तव में हम खुद नहीं जानते कि हमें क्या चाहिए। हम अक्सर इस जीवन में अपनी कल्पनाओं और जरूरतों के बीच भ्रमित रहते हैं। अगर ये पूरी नहीं होती है तो हम दिन रात दुखी और चिंतित रहते हैं। हमारे पास एक और जटिल विकार है, जो है दूसरों से अपनी तुलना करना। अगर उसके पास 100 हाथ जमीन है तो मेरे पास केवल 80 हाथ जमीन क्यों होनी चाहिए? अगर उसके पास 100 हाथ जमीन है तो मेरे पास 90 हाथ जमीन क्यों होनी चाहिए? इस प्रकार की तुलना करके हम अपने दिमाग में जटिल संख्याएं बनाते हैं और दिन रात इसी दौड़ में लगे रहते हैं। उस भ्रामक कल्पना का पीछा करते हुए हम सोचते हैं कि अगर हम इसे हासिल कर लेते हैं तो हम खुश होंगे, लेकिन अगर यह हासिल भी हो जाता है तो फिर से नई तुलनाएं सामने आ जाती है। दौड़ फिर से शुरू होती है। अपनी पूरी जिंदगी दौड़ने के बाद हम जीवन के आखिरी दिन पर पहुंचते हैं और महसूस करते हैं कि समय खत्म हो रहा है। असली खुशी अक्सर अनदेखी रह जाती है। इसलिए दूसरों से अपनी तुलना न करें। अगर तुलना करनी ही है तो अपनी तुलना उन लोगों से करें जिनकी समस्याएं आपके जैसी हैं। समस्या एक पल में हल हो सकती है। खुशी न तो बाहर है और न ही हमारे अंदर। खुशी वह चीज है जिसे हम अपनी सोच के माध्यम से बनाते हैं। आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करेगी कि आपकी सोच कितनी सटीक और सही है। देखिए, कुछ लोग रात को पेड़ों के नीचे खुशी से सोते हैं, जबकि कुछ को खुशी नहीं मिलती। भले ही वे महल के सोने के सोफे पर लेट जाएं, फिर भी उन्हें नींद नहीं आती। तो आप तय करें कि आपको क्या खुशी देता है और क्या आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं। अपने जीवन को इच्छाओं से मुक्त करें, खुद को आसक्ति से मुक्त करें। आप देखेंगे कि आपके पास जो कुछ भी है वह बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण लगेगा। जीवन के सत्य की खोज करो, तुम हमेशा खुश रहोगे। अनिरुद्ध महात्मा गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़े। उन्हें जीवन जीने का स्वाद महसूस हुआ। यह कहानी जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे व्यक्ति के लिए बुद्ध के द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण संदेश को दर्शाती है। गौतम बुद्ध ने अनिरुद्ध को यह सिखाया कि जीवन में दुख और सुख के बीच संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। उनके शब्दों में, परिवर्तन इस दुनिया का शाश्वत सत्य है। यह दर्शाता है कि जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं और कठिन समय के बाद
सुख अवश्य आता है। इसमें चार शिष्यों के उदाहरण से बुद्ध ने यह समझाया कि हमारी समस्याएं कभी भी सबसे बड़ी नहीं होती। दूसरों की समस्याओं को देखकर हमें अपने जीवन में सुधार करने और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। बुद्ध ने अनिरुद्ध को अपनी स्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने और अपनी मानसिकता को बदलने की सलाह दी, क्योंकि खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होती बल्कि हमारे विचारों और दृष्टिकोण पर आधारित होती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि अपने मन की स्थिरता, इच्छाओं से मुक्ति और सही सोच से हम सच्ची खुशी और संतोष प्राप्त कर सकते हैं।